आपके महादेव नगर का देख के आए, अभी पांचला का देखे। आपने बीच में मेरे को ये बताया कि सर प्रशासन नहीं आया, एसडीएम कब आके गई मेरे को पता नहीं हमारे को, और किसी को फोन किया तो कहा कि मैं मुकदमा ठोक दूंगी अगर रोड तोड़ी। आपके कहने के बाद मैंने गाड़ी रोक के कलेक्टर से बात करी और मैंने कहा ऐसा है, विपत्ता के अंदर जिनके घर हो, जिनके घर पे मुसीबत पड़ी हो, उनके साथ सहानुभूति रखनी होती है कि हम देखते हैं क्या व्यवस्था करते हैं। ये मुकदमा ठोकने में ये तरीके नहीं है और न पार्टीबाजी होती है। किसका खेत है, कांग्रेस बीजेपी नहीं होगा इस वक्त। इस वक्त ये होगा कि मानवता के नाते आपदिक प्राकृतिक विपत्ता पड़ी हुई है तो अपने को उसके अंदर उसकी मदद करते हैं और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो मैंने कलेक्टर से बात करी है और मैंने कहा आप दूसरी टीम भेज कर देखिए कि रपट कहाँ निकलेगी या क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता है, क्योंकि कल दो दिन बाद वापस बारिश हो जाएगी। अभी तो सितंबर का पूरा महीना पड़ा है बारिश का, ये तो खत्म ही नहीं होगा। नीवे चूस जाएंगे, उसके अंदर नीवे खराब हो जाएंगी पक्के मकान की। और मैंने कहा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करी गई है, जो गरीब हैं जिनके कच्चे मकान थे वो अपने अपने रिश्तेदारों के चले गए। आपको यहाँ स्कूलों में क्यों नहीं ठहराया, कोरोना के अंदर अपने यहाँ स्कूलों में ठहराते थे, किट बांटते थे, ये नहीं कहते थे बीजेपी कांग्रेस को किट देंगे, ये नहीं, जो भी है जिसको भी जरूरत है उसको बेड दो, ऑक्सीजन दो, रेमडेसिविर दो, किट दो, स्कूल में ठहराओ, ये आपदा का समय है। और मैंने कलेक्टर को कह दिया है अगर रोड तोड़ने से पानी निकलता है तो मैं बैठ कर रोड तोड़ाऊंगी, मुकदमा कहते तो तुम्हारी एनजीओ मेरे से कर लूँगी। आँख नहीं दिखानी है, मैंने कहा क्या गलती अगलों की, अगलों के घरों में पानी भर गया, अपनी गाय भैंस को पिकअप में डाल के दूसरी जगह ले जा रहे हैं और आप आँख दिखा रहे हो, शर्म नहीं आती, शर्म आप कोई भी व्यक्ति है ना जिसके घर की हालत हो उस तरह से इस तरीके से बात करे उस अधिकारी को शर्म आनी चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है, हाँ ये कह साहब ये व्यवस्था नहीं हो सकती, हम कोई और चीज सोचते हैं, आपकी मदद के लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, या होगा नहीं और मैं मुकदमे ठोक दूंगी। तो मेरे तो बहुत 10 साल जेल देखी हुई है, मैं जेल में कोई डर नहीं मानता, ठोक दीजिए मुकदमा, कैडा मुकदमा, आप अपने देख लो कहाँ से वैकल्पिक व्यवस्था है। मैंने कलेक्टर को बात कह दी है, कहीं से रोड तोड़ के रपट बना के अगर कोई समाधान होता है तो मुझे बता देना, मैं आके बैठ जाऊँ, ठीक है। और ये अब जनता एक मुट्ठी होती है ना, वही जोर होता है, पद का जोर नहीं होता। आज एमएलए अकेला खड़ा हो ना कोई मतलब नहीं, और आप एमएलए नहीं और जनता साथ खड़ी हो तो वो कलेक्टर और जो आपदा मंत्री और मुख्यमंत्री वो फोन करके आपका काम करें, ये आप ध्यान रखना। आपके जरूरत पड़ेगी या जरूरत है, प्रशासन आपको नहीं गांठ के दे रहा है, आप मेरे को बोलना, मैं अपने आप लड़ू। मैं समझ सकती हूँ कि इतने सारे घरों के अंदर पानी है, फसल नष्ट हो चुकी है, नीवों में जा रहा है, आगे इसका क्या रास्ता निकलेगा, ये 100 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है, ये भी नहीं पता है कि अभी कल परसों फिर बारिश हो जाएगी, पूरा महीना भी सितंबर तक वापस पड़ा है। तो एक बहुत बड़ा संकट आपके गांवों के ऊपर आया है, मैं आपके दुख को दर्द को अच्छी तरह समझती हूँ, और क्योंकि मैं राज में नहीं हूँ तो कलम मेरा नहीं चलता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है, मेरे जज्बे में कमी नहीं है, आपको बताना क्या करना है अपन करेंगे। आप देख लो सारे गांव वाले बैठ के क्या हो सकता है, क्या निकासियां निकल सकती है, कैसे इस पानी को आप आगे निकल सकते हैं, सोच लो, विचार कर लो, अपन वापस बात कर लेंगे, नहीं तो बैठ के कराएंगे, ठीक है। आपसे बात करने के बाद मैंने एक कलेक्टर से बात करी और कलेक्टर को मैंने कहा है कि एसडीएम कोई सुध नहीं ले रही है, रपट की बात कर रही है, और ये रपट आप आदमी भिजवा दिए प्रशासन के, ये निकलो, अगर ये रास्ता निकल सकता है निकलो, नहीं तो मैं धरने पे बैठूंगी, रोड खोदूंगी, मुकदमा ले लूंगी, ठीक है। मैं कहा एसडीएम को कहता ना गाँव वालों को डराए नहीं, मुकदमा लेना तो कहता दिव्या मदेना पे ठोक देना, मैं पावड़ी लगा दूँ, आके चेक तो कराओ कि आगे जाता कि नहीं जाता, चेक करने के बाद आगे कौन से खेत है मेरे को बताओ, आप आने तो कलेक्टर को भेज के देखने, तो ये होगा तो देखेंगे आगे क्या।
ओके सर, मतलब दिक्कत सी पुरानी आए पहले ट्रेन से पहले रपड़ थी कच्ची रोड थी ना। नहीं नहीं, और एसडीएम को कह देना चाहती हूँ, ये कोई है ना जो विपत्ता में बैठे है ना, उनको ये धमकाने धमकाने की जरूरत नहीं है। मुकदमे फुकद में रोड तोड़नी पड़ेगी तो मैं आगे पावड़ी लगा दूंगी, चिंता मत करना, देख कर देंगे। ठीक है।